हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो जितनी वीडियोज अपलोड करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएस एक्सेल में कैसे काम करेंगे। एमएस एक्सेल में आपको हम बताने वाले थे सम, जो सम होता है यानी जोड़ना, तो आप इसमें जोड़ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें कोई भी टेबल बना, इसमें आपको हम दो तीन चीज़ बता रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एम एस एक्सेल में। जैसे हमको कोई भी मार्कशीट तैयार करनी है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उतना सिलेक्ट कर लीजिए टेबल, कि आप कितना लंबा सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जाइए होम मेन्यू में मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर दीजिए, और इस पर जो आप लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख दीजिए। अब इसके बाद आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं। आपको जो साइज चाहिए, जो अच्छा लग रहा हो, आप उस साइज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं से बोल्ड कर लीजिए, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें जो भी आप वैल्यू दें वो जुड़े। जैसे हमने बनाया कि इसमें सबसे पहले कॉलम में हमने नाम दे दिया, क्लास और सब्जेक्ट नेम, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। ये दोस्तों, जब हमने इतना कर लिया फिर इसके बाद हमने इसमें नाम दे दिया, कोई भी नाम हो सकता है, ए के बाद फादर नेम में हमने दे दिया कुछ भी, यल यम, ठीक, क्लास 9 8, ठीक। अब हम इसमें मार्क्स देते हैं, जैसे कि हिंदी में आपने पाया या ए ने पाया 100 में से 76, इंग्लिश में पाया, मैथ में पाया 55, साइंस में पाया, ठीक, और इसी तरह ही बी ने एन ने पाया 67 78 53, ठीक। अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो हम इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, इसके बाद सम करना चाहते हैं तो सम, फार्मूले से भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी है कि आप इसे और जल्दी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद फंक्शन लगाएंगे, इसे ओके कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जहाँ से जोड़ना चाहते हैं, जैसे ये, फिर कॉलम साइन, इसके बाद कॉलम साइन के बाद ये लास्ट वाला, यहाँ तक का, ठीक। फिर इसके बाद आप इंटर कर दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने इस तरह से अगर और बहुत सारे रो बनाए होते हैं, कि एक नहीं, मैं यहाँ पे 20-25 बना देता हूँ। फिर इसके बाद ये देखिए, इस तरह जितने आप बनाना चाहते हो, मैंने 20-25 बोला तो 20-25 जितने भी आप खींच देंगे उतने बनते जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है, आप जितना बनाना चाहेंगे उतना बनते जाएंगे इसमें, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ बनाया था, जब छोटा प्लस का साइन बन जाए तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक। इसमें भी आप जितना भी ये खींच देने से आपको लिखने में कम पड़ेगा, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें से जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
ठीक। अब जैसे मैंने इसमें एक बार प्लस करके जोड़ दिया, तो आप इसे खींच देंगे ऐसे ही प्लस करके, तो जितने भी इनके प्लस हैं तो वो सारे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप कैसे इसे जल्दी से जोड़ सकते हैं। जैसे ये 44, ठीक। अब मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, ठीक ना, तो आप इसे सिलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा रो ले लीजिए, और इसके बाद आप इस होम पेज में जाइए, या ऑटो सम का लगा हुआ है, ऑटो सम होके आप इसमें, जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हमको ये सभी जोड़ने हैं, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि आप प्लस कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह आप इक्वल लगाएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है इसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। जैसे सम होता है, एवरेज होता है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिन और मोर फंक्शंस हैं जो आप चाहते हो। ये देखिए जितने भी हैं, आप जो भी लेना चाहते हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये सम है, ठीक। अगर आप सम नहीं लेना चाहते तो सम की जगह पे आप दूसरा ले सकते हैं, कौन सा फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो आप जाने दीजिए, आप यहाँ पे एवरेज एवरेज कॉलम लेके होम पे गए और एवरेज निकालना है, तो एवरेज कर दीजिए, तो ये एवरेज आ गए इनका। ये दोस्तों, इसी तरह से आप जितने भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको एक और अच्छी चीज़ बता देनी है कि जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट करा, ठीक, और इसके बाद आप इसे कॉपी करते हैं, ठीक, और यहाँ पे देखिए शीट दूसरे, मैं यहाँ पे ले जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, तो नहीं होता ना इसी तरह से। अब इसको आप, मैं बता देता हूँ, आप यहीं पे नहीं, मैं ये आपको बताऊँगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं कि ये पेस्ट हो, ये क्योंकि आपने जोड़ा है, ठीक ना, तो आप यहाँ पे भी इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा, सही तो नहीं आएगा, कुछ गलत आएगा, कुछ गड़बड़ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें जैसे ही ये मैंने यहाँ पे भी पेस्ट करा तो ये नहीं आ रहा, तो आप इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करके, मेरे टीचर्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको क्यों नहीं आ सकती, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे कैसे करते हैं। पेस्ट स्पेशल, ठीक, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ही यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 88 भी लिखा था, मैं इसको क्या कर देता हूँ 87, ठीक, जैसे ही यहाँ से मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक। और जैसे ही सीट 2 पे जाएंगे आप तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये भी होता है कि वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। ये आपने आज जाना कि ये ऑटो सम क्या काम करता है, कि ऑटो सम का फंक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको भी ऐड करना चाहूँ तो आप यहाँ पे, मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल लगाएंगे और इसके अंदर जाएंगे, तो आप इसके अंदर पे जिस रो से ये हो गया, फिर इसके बाद आपने कॉलम साइन लगा देना है, ठीक। और फिर इसके बाद ये दोबारा आ जाता हूँ यहीं पे, तो नहीं, कॉलम साइन के बाद आप जिस रो तक करना चाहते हैं उस रो की साइज, ये क्या होता है कि इसमें ये सिर्फ एड्रेस देता है, जैसे इस लाइन में देता है कि ये कौन से रो में है, बस और कुछ नहीं देता, L15, ठीक, गलत नहीं है, एक नंबर की चीज है जो कि आपको एकदम फिक्स बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इंटर कर दीजिए, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा, ठीक है। यदि आप ये समझ जाते हैं और करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भी दिखाएगा।
बेहतर आप तरीके से बना सकते हैं कि आप इसे कैसे दिखाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टेबल हो जाती है, शेप्स हो जाते हैं, आप इसमें टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, कौन सा टेबल चाहिए, बहुत सारे काम है दोस्तों। तो थैंक यू, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।